जनाबे मौलाना मोहम्मद अथर, मिर्ज़ा मोहम्मद अथर हिंदुस्तान की एक एक सौगात और एक हदिया और एक अता थी पूरे दुनिया के लिए। जहाँ जहाँ उन्होंने पढ़ा है पाकिस्तान, वो कई मरतबा आए और बहुत कामयाब मजालिस से खिताब किया, बड़े इज्तमात से खिताब किया। और उसके अलावा जो समंदर पार इलाकों में जो जाते रहे, तो मिर्ज़ा अथर साहब का मकाम एक हमागीर शख्सियत का उन्वान है और बहुत बड़ा खला वाक़ हो गया है। मिर्ज़ा अथर साहब ने मेहनत करके अपने आप को इस दर्जे पर पहुंचा दिया था कि आप जोड़ने का काम कर रहे थे, तमाम सोच अफकार, तमाम मसालिक मकातिब, हत्ता मैं हिंदुस्तान आकर इस बात को भी महसूस कर रहा हूं कि उनका हिंदू बिरादरी में अहले यानी हुनूद में अहले हिंदुस्तान में कितना ज़्यादा मकाम था। तो ये इंसान एक दिन में पहले दिन नहीं होता, इसके लिए मेहनत करना पड़ती है, रियाजत उठाना पड़ती है, नफ्स मारना पड़ता है, अपने एहसासात और जज्बात को ख़त्म करना पड़ता है और अपने नज़रिए पर और अपनी जद्दोजहद को मुकम्मल और मुसलसल रखना होता है। तो मिर्ज़ा अथर साहब का फ़ुकदान आलम इस्लाम का फ़ुकदान है और बिलखसूस तशय्यो का फ़ुकदान है और इंसानी हवाले से इंसानियत का फ़ुकदान है। मैं उनके बच्चों को और उनके करीबी लोगों को ताज़ियत पेश करने आया हूँ और दुआ करेंगे कि अल्लाह उनकी जो वहाँ दर्जात उसने तय किए हैं उसमें इजाफ़ा करें और हम सबकी दुआओं को कबूल करें।